एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो नेफ्रॉन कैसे वर्कआउट करता है? सबसे पहले रीनल आर्टरी गंदा ब्लड लेके जाती है। रीनल आर्टरी गंदा ब्लड लेके गई तो यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल आ गया, बोमन कैप्सूल, और उसके बीच में ग्लोमेरुलस है। ये याद रखना, ये पूरा नेफ्रॉन है। हमारी किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से बनी है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। सबसे पहले रीनल आर्टरी गंदा ब्लड ले गई, ये जाके कन्वर्ट हो गई बड़ी सारी कैपिलरीज में। यहाँ पे कैपिलरीज बन गई, वहाँ पे छन की चीज़ें, मीन्स ब्लड में से जो चीज़ें थी, ब्लड के अलावा जितनी चीज़ें थी बाहर निकल गई। यहाँ से ब्लड के अलावा जो जो चीज़ें थी वो थी यूरिया, वाटर, सॉल्ट, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, ये सब कुछ ब्लड से निकल गया। ब्लड के अलावा सारी चीज़ें ब्लड से निकल गई, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। ये ग्लोमेरुलस है, ये ब्लड के अलावा जो चीज़ें थी वो बाहर निकल गई, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इधर आ जाएगा, इधर इधर इधर। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इधर आना शुरू हो जाएगा। सो ये भी याद रखना, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, ये बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, इन दोनों को इकट्ठे मालफिगियन कैप्सूल कहते हैं। कलेक्टिवली वी से देम मालफिगियन कैप्सूल। अब क्या हुआ, रीनल आर्टरी गंदा ब्लड लेके आई जिसके अंदर सब कुछ था ब्लड के अलावा का, वो भी था ग्लूकोज भी था, वाटर भी था, सॉल्ट भी था, यूरिया भी था, यूरिक एसिड भी था, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करके सारा इधर पहुंच गया। अब यहाँ पे रीनल आर्टरी जब कन्वर्ट हुई कैपिलरीज ग्लोमेरुलस से, अब ये बाहर निकली, इसे कहेंगे ये कैपिलरीज ने रूप ले लिया किसका, एफरेंट आर्टरियोल का, एफरेंट आर्टरियोल का। ये बोमन कैप्सूल आगे कन्वर्ट होता है सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में। ये जो ट्यूब्यूल है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, फर्स्ट ट्यूब्यूल है बोमन कैप्सूल के बाद, जो सा ये ऐसे ट्यूब्स बनी हुई है बोमन कैप्सूल के बाद, इसे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल कहेंगे, ये जो जिगजैग बना हुआ है। और यहाँ से ग्लोमेरुलस ने किसका रूप धार लिया, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल अब क्या करती हैं, वो इसके आसपास लपेटे मार रहे होते हैं, ऐसे इनके आसपास लिपटी होती हैं। ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, इसे कहेंगे लूप ऑफ हेनले, इसे लूप ऑफ हेनले। और ये जो लूप बना आगे वो हुआ डिक्सल डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और ये जाके कलेक्टिंग डक्ट बन गया। तो सबसे पहले बोमन कैप्सूल, उसके अंदर ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल ने किसका रूप लिया, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल का, और फिर ये लूप ऑफ हेनले बना, फिर डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से ग्लोमेरुलस से ये चीज़ें छट के बाहर निकल गई थी, ये कौन सी थी, यूरिया, वाटर, सॉल्ट, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, ये सारी किधर पहुंची, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाएगा, वो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में पहुंचा। अब ग्लोमेरुलस कन्वर्ट हुआ था एफरेंट आर्टरियोल में, ये कैपिलरीज ही हैं इसमें, यानी इसको अब नाम मिल गया एफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस के बाद। अब इन कैपिलरीज ने किसके आसपास लिपटी पड़ी हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, लूप ऑफ हेनले, और ये डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के आसपास। यहाँ से क्या करती हैं ये चीज़ें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब करती हैं। अब यहाँ पे था ये सारा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुँच गया था, और इसमें सिर्फ खून ही रह गया था, खून के अलावा बाकी सारी चीज़ें इधर चले गई। अब खून को कई चीज़ें इसमें से चाहिए भी हैं, यानी ये जो एफरेंट आर्टरियोल इनके आसपास लपेटे मारी हैं, वो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करेंगी यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यानी तीनों का फंक्शन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। जो जो चीज़ें चाहिए, ग्लूकोज चाहिए कुछ हद तक, वाटर चाहिए कुछ हद तक, इतना कुछ रीअब्जॉर्ब करेंगे कि जो हमारी ब्लड का नॉर्मल कॉन्टेंट है ना वो ना बिगड़े। सो वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएंगी, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो बाहर फेंक दी जाएंगी, यूरिया नहीं चाहिए, यूरिक एसिड नहीं चाहिए, वो बाहर फेंक दिया जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, सबसे ज़्यादा तो इधर ही रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब उसके बाद जब सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो गई, अब इस एफरेंट आर्टरियोल को नाम मिल जाएगा रीनल वेन का, मींस अब ये रीनल वेन, इसको नाम मिल गया, ये जो अब नाम हो गया, मींस पहले रीनल आर्टरी था, फिर उसको नाम मिला एफरेंट आर्टरियोल का, एफरेंट आर्टरियोल ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पे लपेटे मार मार के, अब इसको नाम मिल गया रीनल वेन का,
अब रीनल वेन में सारा साफ वाला ब्लड और सारी गंदगी कहाँ चलेगी, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमारे को नहीं चाहिए था वो सारा कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, जो कि हमारे यूरिन की तौर पे बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट।